आज सभी पार्टी के एमपीज और फ्लोर लीडर्स हमारी जो डिमांड जेपीसी का था और है उस डिमांड को लेकर हम सभी लोग आज फिर एक बार यहाँ विजय चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात तो इससे साफ और जाहिर होता है कि मोदी जी जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्या ऐसे लोग करोड़ों हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को, कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख ढाई साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो जेपीसी चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जो जनता का पैसा है, LIC का, आपका भी पैसा लगा हुआ है, सामान्य जनता का पैसा उसमें लगा हुआ है, और बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो भी सामान्य जनता का होता है। ये सब पैसा निकाल कर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया, जैसा पूछते गए वैसा देते गए, और आज उनका जो शेयर वैल्यू भी गिर रहा है। तो हमारे पैसे जो LIC के उसमें है उसका भी वो भी कमजोर हो रहा है, बैंक्स कमजोर हो रहे हैं। ये सारी चीजें बाहर आने दो, इसीलिए हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं और इसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं 4 महीने से, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि जेपीसी में तो उनके मेंबर ज्यादा होते हैं, उनका तो 2/3 मेजोरिटी है, इसके बावजूद वो डर रहे हैं। क्यों? इसीलिए डर रहे हैं, कुछ गलती है, दाल में काला है, तो इसीलिए वो डर रहे हैं। और हम ये लड़ते रहेंगे, एकजुट होके लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो सच बोल रहे हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात को सच्चाई से रखी कि अदानी को किसने लेके गया था विदेशों में, और जब प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे उस वक्त कहां कहां पर अदानी उनको मिले, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या ये गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज राहुल जी को भी बोलने नहीं दे रहे और उनके लिए एक्सप्रेशन उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि हम लूटते रहेंगे, तुम मुंह बंद करके रहो, ये उनकी चाल है। और अब आज भी कोशिश किए राहुल गांधी जी बोलने के लिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और 3 दिन पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी
कि मुझे बोलने के लिए आप परमिशन दीजिए, मेरे खिलाफ चार मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोले हैं, मुझे भी वही हक दो जो जिसने जिस मेंबर्स को या जिस मिनिस्टर को आपने हक दिया है। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबके लिए लड़ रहे हैं, जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग, आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से हैं, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं। तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं, और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे, ये उनकी मंशा है। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम अपनी बात को रखते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, और देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी पूरी कोशिश हम सभी लोग मिलकर करेंगे।